नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपीसीसी 24 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं श्वेता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बालाघाट जिले को सौगात। स्वर्गीय दिलीप भटेरे के पुण्य स्मरण दिवस कार्यक्रम में किरनापुर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। किरनापुर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हेलीकॉप्टर से बालाघाट जिले के किरनापुर पहुंचे। स्वर्गीय दिलीप भटेरे के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होकर बालाघाट जिले को मांग के अनुसार अनेक सौगातें दी। घोषणा करते हुए कहा कि किरनापुर महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं चालू कर दी जाएंगी। हट्टा में नए सत्र से कॉलेज खोला जाएगा। परसवाड़ा में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ होगी। बालाघाट में सरेखा ओवरब्रिज के लिए प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। लामता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन होगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेकों योजना चला रही है, जिसमें योजना का लाभ दिया जा रहा है। बिजली के संकट पर बोले शिवराज, कोयले की व्यवस्था बना रहे हैं, जल्द ही समस्या खत्म होगी। संचालित योजना के संबंध में कहा कि सरकार की निःशुल्क राशन योजना से 5 किलो तक फ्री अनाज सितंबर माह तक मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास प्लस में बालाघाट जिले में 85,000 मकान स्वीकृत किए गए हैं, अब मकान नए बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास का हमारा लक्ष्य है सब गरीबों को पक्की छत मिले, कोई झोपड़ी में ना रहे। प्रधानमंत्री आवास इस वर्ष 10 लाख बनाएंगे। 10,000 करोड़ का बजट रखे हैं, 10 लाख अगले वर्ष और बचे कुचे मकान भी बनाएंगे, सबके पक्के मकान होंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज भी चिन्हित कर अस्पतालों के माध्यम से दिया जाएगा। जल जीवन मिशन योजना के तहत पूरे देश में यह कार्य चालू है। बीजेपी सरकार हैंडपंप का पानी नहीं, नल जल योजना बनाकर पाइपलाइन बिछाकर पानी देने का काम कर रही है। हैंडपंप जाने की जरूरत नहीं, घर घर नल और घर घर जल पहुंचेगा। महिला सशक्तिकरण पर स्वयं सहायता समूह आजीविका मिशन तेजस्विनी समूह की बहनों को अपने के हमने अनेकों काम दिए हैं। कहा, स्वयं सहायता समूह में बहनें रोड रोलर से सड़क भी बनाएंगे, बच्चों के लिए पोषण आहार भी बनाएंगे, साबुन सैनिटाइजर अभी बनाएंगे, राशन की दुकानें भी चलाएंगे, स्कूल ड्रेस भी बनाएंगे। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि हमने स्वयं सहायता समूह की दीदियों को अनेकों काम दिए हैं। वहीं कोविड से मृत्यु होने पर जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, उन्हें 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी और उनकी पढ़ाई का खर्च भी उठाएंगे, जब तक वह बड़े ना हो जाए। कोई भी बेटा या बेटी मामा के रहते अनाथ नहीं रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब किसानों की सरकार है। हमारा लक्ष्य है रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई रोजगार। प्रधानमंत्री निःशुल्क राशन योजना के तहत 5 किलो राशन फ्री एवं 1 रुपये किलो अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन गरीबों को मिलेगा। स्वर्गीय दिलीप भटेरे पुण्य स्मरण दिवस कार्यक्रम में शामिल मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बालाघाट जिले के आयुष एवं जल संसाधन मंत्री रामकिशोर नानो कांवरे, गौरीशंकर बिसेन, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रमेश भटेरे, लांजी किरनापुर विधायक सुश्री हिना कांवरे, सांसद ढाल सिंह बिसेन, रेखा बिसेन, मौसम हरिन खेड़े, योगेंद्र निर्मल, प्रदीप जायसवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। एमपीसीटी 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से कैमरामैन विकेश मिश्राम के साथ रिपोर्टर मंजीत भीमटे की रिपोर्ट। आदरणीय श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी, सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रामकिशोर कांवरे जी, यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ सांसद आदरणीय ढाल सिंह बिसेन जी,
माइनिंग कारपोरेशन के अध्यक्ष भाई प्रदीप जायसवाल जी, बहन लता एलकर जी, अमित रगलानी जी, हमारी क्षेत्र की विधायक सुश्री हिना कावरे जी, मौसम जी, गुड्डा मरकाम जी, नरेंद्र भैरव जी, भगत नेकलाम जी, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, के डी देशमुख जी, भाई रमेश भटेरे जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आदरणीय मंच, यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। रमेश जी और भाजपा परिवार मेरे पास आया था कि पुण्यतिथि है स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की, कई दिनों से मेरा आना हो नहीं पाया था इस कार्यक्रम में, तो मैंने तय किया कि स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने में हर हालत में किरणापुर आऊंगा। मैं आज स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपनी सहजता से, अपनी सरलता से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपनी प्रमाणिकता से जन सेवा का एक नया इतिहास रचा था। वो जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे और इसका उदाहरण था कि लगभग लगातार 4 बार में विधायक रहे, मंत्री भी रहे, पटवा जी के मंत्रिमंडल के समय और संसदीय सचिव के रूप में भी उन्होंने इस क्षेत्र की जनता की सेवा की है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे वो पूर्वज जिन्होंने अपने लिए कुछ किया है उनको कभी हमें भुलाना नहीं चाहिए, और इसलिए मैं उनके चरणों पर प्रणाम करता हूं और इस क्षेत्र को भी आश्वस्त करता हूं कि भटेरे जी की परंपराओं को, उनके विकास की ललक को, उनके जनसेवा के कामों को लगातार भाग लेने आज मैं किरणापुर में आया हूँ। इस अवसर पर यहाँ स्वास्थ्य मेला लगाया गया है ताकि ऐसे पेशेंट्स जिनका यहाँ इलाज संभव हो यहाँ हो जाए और कहीं ले जाके करवाना हो तो हम उसकी व्यवस्था भी कर पाए। अलग अलग जन कल्याणकारी योजना का लाभ इस अवसर पर दिया गया है। विशेषकर बालाघाट जिले में स्वास्थ्य सहायता समूह की बहन आजीविका मिशन की और तेजस्वी समूह की बहनें भी बहुत अच्छा काम कर रही है, अलग अलग चीज़ें बना रही है। यहाँ तो आज रोड रोलर भी विकास के कामों के लिए समूह को दिया गया है, तो निर्माण का काम हो, राशन वितरण करने का काम हो, स्कूल की यूनिफॉर्म बनाने का काम हो, अलग अलग कई कामों से बहनें जुड़ के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रच रही है। मैं अपनी ओर से दिलीप भटेरे जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन व्यक्त करता हूँ। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। धन्यवाद। राई हैं वो अंजू अजित, अध्यक्ष माँ दुर्गा आजीविका समूह मंडका पार तहसील किरणापुर, और प्रभा शिवाले, सदस्य जागृति आजीविका समूह सुसवा तहसील किरणापुर। विशिष्ट संस्थाओं जिसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, आदर्श आवासीय विद्यालय कन्या शिक्षा परिसर शामिल हैं, इसमें 6 संस्थाओं के लिए जो हितग्राही आ रहे हैं उनमें अंतिमा तिवारी हैं, दीपदान आजीविका स्व सहायता समूह परसवाड़ा तहसील परसवाड़ा, और आयोजित हो रहे स्वर्गीय श्री दिलीप भटेरे स्मृति आयोजन में जिसमें जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर और स्व सहायता समूह सम्मेलन आयोजित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी शिविर और सम्मेलन की